नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपके लिए लगातार हम पब्लिक सर्वे कर रहे हैं। हमारे साथ कमलप्रीत जी जुड़े हैं जो वेल एजुकेटेड हैं और आपको अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि बीइंग गर्ल इनको कैसा महसूस होता है डेरा सच्चा सौदा संस्था में जाकर। सन डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह जिंसा के बारे में इनका क्या कहना है। कमलप्रीत जी द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। क्या क्वालिफिकेशन है कमल जी? मैंने MSc कर रखी है बॉटनी के। मैम, डेरा सच्चा सौदा आश्रम में कभी आपने विजिट किया है, कभी देखा है? बचपन से आ रही हूँ। मतलब इतना अच्छा है कि मतलब बहुत ज़्यादा सेफ अगर कह सकते हैं तो वो डेरा सच्चा सौदा ही है। मैम, बीइंग गर्ल आपको मतलब कभी भी अलग तरीके का महसूस हुआ हो सेफ्टी को लेकर? मतलब यहाँ पे ना क्या होता है कि डेरा सच्चा सौदा में इतनी भीड़ है ना, और क्या कहेंगे कि अगर हम किसी और प्लेस में जाते हैं तो इतना धक्का मुक्की, मतलब वॉयलेंस वगैरह जो भी होता है ना, तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता है। और मतलब यहाँ पे सुरक्षित तो मतलब हर एक इंसान ही है, और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा। मैम, कभी नाइट में आपने वहाँ पर गए हो, कभी जब वहाँ पर स्टे किया हो कभी भी आपने? रूबरू नाइट्स अटेंड किए हैं, तो तभी गए थे वहाँ पे जब किसी रूबरू नाइट्स करते थे। गुरु जी को जानते हो आप, कैसा महसूस करते हो उनके बारे में? अरे उनके तो क्या ही कहने हैं, मतलब कुदरत का करिश्मा है ना, मतलब हर एक रहमत दी है पिति ने, मतलब हर एक चीज़ जो कि मतलब बिन बोले मिल जाती है, तो वो एक ईश्वर मतलब के रूप में। उनका नेचर कैसा लगता है आपको? नेचर वाइज मतलब क्या है, क्या एक्सप्लेन करूँ उनके बारे में? सब कुछ ही अच्छा है, बहुत अच्छे हैं, किसी के साथ ऐसे नहीं, मतलब कभी मेरे जितना मतलब एक्सपीरियंस है तो कभी किसी के साथ तो गलत तरीके से नहीं पेश आए हैं या क्या लोग, कि मतलब सबके साथ अच्छे हैं, सबसे प्यार से, चाहे बड़ा है छोटा है सबके साथ। आपका बिलीफ उनके साथ कितना जुड़ा हुआ है? वही बोल रही हूँ ना कि छोटे से ही आ रहा है, तो मतलब उन पे ही है बिलीफ। मतलब अगर किसी भी मतलब ये होता है ना कि कोई प्रॉब्लम है तो मतलब उनके ऊपर छोड़ दो, सब हो जाएगा। मैम, जो दूसरी तरफ उनके ऊपर एलिगेशंस लगे हुए हैं, आरोप काफ़ी लगाए जा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? वो तो जस्ट मतलब बेबुनियाद कह सकते हैं, मतलब जो भी लगे हैं कुछ भी नहीं है, बाकी उनकी मर्जी है, उनकी रजा है, वो क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता, उनके वो क्या हमारे कर्म काट रहे हैं, वो सिर्फ हमारे लिए कर रहे हैं जो भी है। आप सोसाइटी में क्या बताओगे उन लड़कियों को जो आश्रम में नहीं आई हैं कभी? उनके दिमाग में जो मीडिया में दिखाया गया वही एक इमेज खासकर मतलब लड़कियों की सेफ्टी को लेकर है। आप बचपन से जा रही हो, क्या कहोगे उन लड़कियों को, अपील क्या करोगे? मीडिया मतलब जो उन्होंने सुना है वही बताते हैं ना, मतलब जो हमने देखा है वो उन्होंने नहीं मतलब नहीं बता रहे हैं, या मतलब कह लो कि मीडिया नहीं कर रहा है जो भी, जो मतलब ओरिजिनल चीज़ थी वो उन्होंने नहीं बताई है। अपनी तरफ से कह लो कि बहुत सारे र्यूमर्स बता रखे हैं, तो वो बेबुनियाद है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप सबको एक बार विजिट करना चाहिए, अगर जाओगे तो पता चले। रियलिटी है क्या, मतलब क्या मकसद है डेरा सच्चा सौदा का, संत जी का क्या योगदान है समाज के लिए, सोसाइटी के लिए? सबको एक करना, सारे धर्म है जो भी है, जात पात कुछ भी नहीं, सब एक है। सो मतलब सभी को एक ही करना उनका मकसद है। सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया है, कुछ बेनिफिट मिला है समाज को उनसे? सब मतलब स्वच्छ भारत अभियान जो था, मतलब शुरू हुआ है ना, तो उसके रिगार्डिंग मतलब कितने सारे सफाई की गई है, या मतलब और भी ब्लड कैंप्स वगैरह है, मतलब इजीली अवेलेबल हो जाता है ब्लड कहीं से भी, अगर हम कुछ भी लगा लो है ना, हेल्थ रिलेटेड है, सोसाइटी रिलेटेड है, बहुत कुछ किया है एजुकेशन वगैरह के लिए, सब कुछ। बहुत क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से संत जी के लिए? कि उन्हें जल्दी जल्दी छोड़ दो, सारे केसेस वगैरह वो छूटे हैं, मतलब जल्दी जल्दी हमारे पास भेज। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, ये थे हमारे साथ वेल एजुकेटेड लोग जो आज भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बता रहे हैं असलियत डेरा सच्चा सौदा विसन डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह जिंसा की, किस तरीके से पूरे समाज को एकता का पाठ पढ़ाया, और सर्व धर्म संगम डेरा सच्चा सौदा संस्था जो उन्होंने एक मुहिम चलाई हुई है, सिंह डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह जी इंसा के बारे में जो लगातार पब्लिक बता रही है कि झूठे आरोप उनके ऊपर लगाकर समाज से दूर किया गया, और समाज इस समाज की लड़कियां उनके लिए अपील कर रही हैं कि समाज में संत जी वापस आने चाहिए। आप भी अपनी राय खुले दिमाग से सोच के जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।